नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चंडीगढ़ बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जो गर्म कपड़े आते हैं उनमें एक साइड में वर्क आता है। कपड़ा तो हमारा 3 मीटर होता है, लेकिन छोटा अर्ज होने के कारण उसमें से हम पैंट नहीं निकाल पाते। तो आज इस छोटे अर्ज वाले जो अर्ज होता है, यहाँ पे 29 या 28 इंच होता है कुल गर्म कपड़ों में, जो आजकल आपने देखे भी होंगे, उनमें से पैंट निकालनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आज हम सीखने वाले हैं, यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से मैं आपको दिखा दूं, ये जो हमारा कपड़े का अर्ज है सिर्फ 29 इंच का है। तो 29 इंच के अर्ज में किस तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं पैंट को, और पैंट भी हमें हैवी साइज की बनानी है। अगर हमें हल्की साइज जैसे 34 हिप हो, 36 हिप हो, तो हमारी आसानी से यहाँ पे निकल जाती है, लेकिन 40+ होने के बाद हमारी इस कपड़े में से, इस अर्ज में से पैंट नहीं निकलती। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे, आप ही के काफी कमेंट आए हुए थे कि किस तरीके से छोटे अर्ज वाले कपड़े में हमें पैंट की कटिंग करनी होती है, तो इसकी जानकारी आज इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले हम नाप जान लेते हैं और कपड़े के बारे में जान लेते हैं। तो ये है दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो कपड़ा है 29 इंच का अर्ज है, और दोनों साइड करनी भी है, मतलब 28 इंच का ही टोटल हमारा ये फैब्रिक है चौड़ाई में। इन फैब्रिक में क्या होता है, ये 3 मीटर हमारे पास कपड़ा है, और इसमें दोनों साइड में आपने देखा होगा, इस साइड में भी एंड पॉइंट पे दोनों पल्लों पे इस तरीके से यहाँ पे वर्क होता है, कढ़ाई होती है। तो इसी के बारे में हमें यहाँ पे जानना है कि किस तरीके से हम यहाँ पे कटिंग करते हैं। कपड़ा हमारा ज्यादा भले ही हो, लेकिन अर्ज कम होने के कारण हम उसमें से अच्छी तरीके से पैंट कटिंग नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में आपका ये सोल्यूशन जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेंगे नाप। यहाँ पे हमारी फुल लेंथ होगी 37 तैयार, और जो हमने रखनी है पैंट की वो रखनी है हमने 36। मोरी का नाप हमारा 10 इंच होगा और हिप का नाप होगा हमारा 44। तो इस नाप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटिंग आपको बताने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे हिप है हमारी 44। अगर हमारी यहाँ पे 34 हिप होती तो अर्ज में से निकल जाती है, लेकिन 40 के बाद जो भी हमारा नाप होता है इस तरीके के कपड़ों में हम नहीं निकाल पाते। तो आइए सीखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे पैंट की कटिंग करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक यहाँ पे ध्यान देना है, जो हमारे पास दोनों साइड में ये बॉर्डर होता है, ये हमें अलग से लगाना होगा कटिंग करके। तो यहाँ पे हम कपड़ा छोड़ के इस तरीके से एक्स्ट्रा ये कपड़ा यहाँ पे छोड़ देते हैं 1 इंच का, और दोनों साइड का बॉर्डर ये निकाल लेंगे। ये देखिए, दोनों साइड का हमने बॉर्डर ये निकाल लिया है। इसको हम बाद में ऊपर से इस तरीके से फोल्ड करके बॉर्डर टाइप लगा देते हैं, स्टिच कर देते हैं मोरी के ऊपर। तो ज्यादातर तो आते हैं बॉर्डर, लेकिन किसी किसी पीस में ये इस तरीके से बुटियां भी आ जाती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इस तरीके की जिसमें बुटियां आएंगी, तो बुटी आप नहीं लगा पाओगे, सिर्फ आप यहाँ पे बॉर्डर ही लगा पाओगे। तो जब भी आप कोई किसी भी कस्टमर का सूट बनाते हो, तो पहले ही उनसे बात कर ले कि आपका बॉर्डर यहाँ पे अलग से हमें लगाना होगा, और ये बुटी ऊपर की साइड की जो बुटी है वो आपकी वेस्ट जाएंगी, वो यहाँ पे यूज नहीं हो सकती अगर आप इसमें से पैंट बनवाना चाहते हो। अगर आप सलवार बनाना चाहते हो, तो सलवार में सब पूरा बॉर्डर और बुटियां हमारी कवर हो जाती हैं, फिर ये वेस्ट नहीं होंगी। लेकिन हमें अगर यहाँ पे पैंट बनानी है, तो सिर्फ हमें बॉर्डर ही यूज करना होगा। इस तरीके से फोल्ड करके ऊपर से हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये तो हो गई बॉर्डर की बात, अब बात आ जाती है कपड़े की। कपड़े को देखिए यहाँ पे कैसे बिछाते हैं। तो बुट्टी वाला पोर्शन भी मैं अलग से यहाँ पे कटिंग कर देता हूँ, क्योंकि ये वेस्ट है, ये किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे कपड़ा बिछाने का तरीका हमारा, देखिए आमतौर पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से कपड़े को बिछाते हैं ऐसे। तो अगर हम ऐसे यहाँ पे कपड़े को बिछाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी पैंट का साइज यहाँ पे नहीं आएगा। तो जैसे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूं, जैसे हमारा यहाँ नाप है 44 का चौथा भाग हो जाएगा हमारा, हिप का नाप है हमारा 44, चौथा भाग हो जाएगा हमारा 11 इंच, और उसके बाद हमें लूजिंग डालनी है तकरीबन 1.5 इंच की, और फिर हमें आगे ही साइड कपड़ा चाहिए। तो ये कपड़ा हमारा यहाँ पे कम पड़ेगा। तो इसको हमें पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से पैंट को बिछाना है डबल करते हुए। कपड़े को बिछाने का तरीका हमें चेंज कर देना है, इस तरीके से हम बिछाएंगे यहाँ पे पूरा इसको ओपन करते हुए ऐसे। ये हमने इस तरीके से बिछाना होता है, ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी साइज हो आपका, चाहे 50+ भी हो, वो भी आप यहां से आसानी से निकाल सकते हो।
तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पे कपड़ा सेट कर लिया है, बिछा लिया है। जैसे हमारे पास ये 3 मीटर कपड़ा था तो फोल्ड लगाने के बाद ये हमारा 1.5 मीटर रह गया है। एक पल्ला 1.5 मीटर का नीचे फैला लिया है और 1.5 मीटर का हमने ऊपर की साइड यहाँ पे फैला दिया है। इसके बाद जैसे हम पैंट कटिंग करते हैं, तरीका नॉर्मल रहेगा फ्रंट कटिंग करने का। पहले हमने सीधा निशान लगाना है, दूसरा निशान जो आएगा हमारा आसन का आएगा। तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, आसन हम फुल लेंथ के हिसाब से निकालते हैं। जैसे हमारी 37 लेंथ है तो उसका हमारा चौथा भाग हो जाएगा 1.25 इंच, 1.25 प्लस 1 इंच, तो हमारा 1.25 इंच यहाँ पे आसन आएगा। तो 1.25 इंच पे पहला निशान लगाएंगे आसन का यहाँ पे इस तरीके से। दूसरा निशान लगाएंगे जो घुटने का होता है 17.5 या 18 पे। और फिर तीसरा निशान हमारा फुल लेंथ का हो जाएगा, जैसे 36 है तो 36 पे यहाँ पे तैयार निशान लगाएंगे और नीचे की साइड फोल्ड के लिए लगाएंगे तकरीबन 2 इंच। अब हम इन सभी निशानों को आगे तक ऐसे बढ़ा लेते हैं। तो ये देखिए सभी निशान हमने यहाँ पे आगे तक बढ़ा लिए हैं। तो आसन निकालने का मैंने फार्मूला आपको बता दिया है। इस तरीके से आप कोई भी साइज हो ऐसे ही निकालें तो परफेक्ट आसन आएगा, ना छोटा रहेगा और ना ही बड़ा रहेगा। इसके बाद जो हमें यहाँ पे निकालना है साइज, तो साइज यहाँ पे कैसे निकालते हैं, हिप के अकॉर्डिंग। हिप है हमारी यहाँ पे 44, तो इसका पहले इस साइड में यहाँ पे कन्नी छोड़ देते हैं और एक निशान लगा लेते हैं। और फिर 44 का चौथा भाग निशान लगाएंगे, चौथे भाग पे 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो हमारा ये आएगा 11 इंच। तो पहला निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 11 इंच पे, 11 इंच पे। इसके बाद हमें देखिए गर्म कपड़ा है तो इसमें 1.5 की जगह आप 1.25 इंच की लूजिंग दे लें, क्योंकि गर्म कपड़े थोड़े से लूज पहने जाते हैं और कई बार इन कपड़ों के नीचे कोई गर्म पजामे भी डालते हैं, तो थोड़ा सा आप 2 पॉइंट का लूजिंग ज्यादा लेके चलेंगे तो ठीक रहेगा। मैंने यहाँ पे 1.25 इंच की लूजिंग दे ली है। उसके बाद हम 2.25 पे आगे आसन वाला निशान जो लगाते हैं इस एरिया में 2.25 का निशान लगाएंगे, तो टोटल तकरीबन हमारा यहाँ पे 15 आ जाएगा, 15 इंच का यहाँ पे साइज हमारा तैयार आएगा। इस निशान को हम ऊपर इस तरीके से सीधा लगा लेंगे और यहाँ पे डालेंगे गोलाई, ये हमने गोलाई डाल देनी है। तो ये देखिए हमारा आसन का निशान भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें यहाँ पे हाफ हिस्से पे एक निशान लगाना है, जितना भी हमारा ये एरिया बनता है। तो जैसे 15 मैंने बताया है तो 7.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से 7.5 इंच पे यहाँ से यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसी तरीके से हम मोरी पे, मोरी वाले पार्ट पे भी 7.5 पे निशान लगाएंगे। सेंटर का जो निशान होगा इसको हम इस तरीके से बिल्कुल सीधा एक दूसरे से मैच कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने निशान लगा लिया है और यहाँ पे प्लेट का निशान लगाएंगे, 1.5 इंच होगा और 1.25 इंच इस साइड, 1.25 इंच इस साइड, और टोटल लेंथ में होगा 4 इंच। और यहाँ पे इस तरीके से हम डट डाल देंगे, ये हमारा प्लेट का निशान हो जाता है। फिर से हमें नीचे की साइड जाना होगा मोरी वाले पार्ट पे। मोरी है हमारी यहाँ पे 10 इंच, तो हम इस सेंटर पॉइंट से 5 इंच इस साइड मिलेंगे और 5 इंच इस साइड मिलेंगे, तो टोटल हमारी 10 इंच की यहाँ पे मोरी तैयार आ जाएगी। अब हमें इस निशान को इस निशान से मिलाना है पूरे को, तो इसके लिए हमें लेनी है यहाँ पे शेफट्टी। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। आप हमेशा जब भी ये शेफट्टी खरीदते हो तो इस सेब की मत खरीदे, आपने इस सेब वाली को यूज करना होता है। देखिए यहाँ पे कितना फर्क होता है। अगर हम यहाँ पे ये हमारी बिल्कुल सही है सेब फट्टी, और ये सेब वाली हमें किसी किसी पीस के लिए लेनी पड़ती है, लेकिन आपने ये यूज नहीं करनी है, ये वाली यूज करनी है। यहाँ पे मैं इस तरीके से निशान लगाऊंगा तो ये हमारा परफेक्ट है। अगर हम गलती से यहाँ पे इस सेब फट्टी से निशान लगा देते हैं तो यहाँ पे सारा काम हमारा खराब हो जाएगा, मतलब पूरी फिटिंग खराब हो जाएगी। तो हमेशा बीच बीच में मैं ये चीज बताता रहता हूँ कि जब भी आप सेब फट्टी खरीदें, कम सेब वाली खरीदें, ज्यादा सेब वाली ना खरीदें। तो ये मैंने इस साइड में निशान लगा दिया है ऐसे, और दूसरी साइड में फिर से हम यहाँ पे ऐसे पलट के यहाँ पे निशान अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए सभी निशान हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं पेंट के। इस तरीके से हमें कटिंग करनी होती है। इसके बाद हमारा यहाँ पे एक काम रह जाता है, जो हमारा यहाँ पे सीधा निशान आता है, ये मैं आपको दिखा दूं, बिल्कुल सीधा निशान यहाँ पे आता है, तो इससे हमें नीचे की साइड 1.25 इंच फ्रंट को डाउन करना होता है।
और यहाँ पे इस तरीके से मिलाना है। ये फ्रंट क्यों डाउन करते हैं पौना इंच, ये हमें इसलिए डाउन करना होता है, आपने देखा भी होगा जब पैंट पहनते हैं तो बेल्ट जो है इकट्ठी हो जाती है या बेल्ट के नीचे का भाग थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड हो जाता है। अगर आप ये चीज ध्यान रखोगे, यहाँ से डाउन कर लोगे पौना इंच तक, तो फिर ये चीज आपकी यहाँ पे कोई भी फोल्ड नहीं होगा और फिटिंग भी आपकी प्रॉपर अच्छी आएगी। तो यहाँ पे सभी निशान मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रंट हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है, इस साइड से हमें बाद में कटिंग करना होता है। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि आगे की साइड हमारा इतना कपड़ा नहीं बचता है जिसमें से हम यहाँ पे बैक साइड कटिंग कर ले। लेकिन बैक साइड कैसे कटिंग करेंगे, यहाँ पे अब हमें कपड़े को इस तरीके से ऐसे बिछा लेना है ऐसे, और जैसे मैंने बताया था कपड़ा हमारे पास 3 मीटर होता है, तो उसका तरीका यही होता है कि बैक साइड हम यहाँ पे जब कटिंग करेंगे तो इस तरीके से बिछाएंगे यहाँ पे कपड़े को, और फ्रंट को बिछाएंगे यहाँ पे ऐसे। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे आसानी से बैक साइड वाला पार्ट कटिंग कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि हम यहाँ पे अगर डबल ऐसे कर लेते हैं अर्ज में कपड़े को, तो फिर हम फ्रंट बैग नहीं निकाल पाते, नहीं तो हमें जोड़ लगाना ही होगा, और जोड़ यहाँ पे लगाना बहुत ही अच्छा नहीं लगता, मजबूरी में जरूर लगाना पड़ता है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे बिछा ले पूरी की पूरी पैंट को ऐसे बिछा ले, और इसके बाद हम यहाँ पे नॉर्मल निशान लगाएंगे। तो पहला निशान हम यहाँ पे सीधा करेंगे, दूसरा निशान हम यहाँ पे इस तरीके से, और तीसरा निशान हम मोरी पे, मोरी वाले पार्ट से ही लेके चलेंगे, 1/4 इंच पहले निशान पे, फिर 1.5 इंच, और फिर यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 2.5 इंच तक। इन निशानों को भी हम यहाँ पे एक दूसरे से मिला लेते हैं। तो ये देखिए इस साइड से हमारी आसानी से बैक साइड निकल जाएगी। फ्रंट वाला जो बैक साइड वाला निशान लगाते हैं आसान का, पहला निशान सीधा और दूसरा निशान यहां से इस पॉइंट से तकरीबन 1/2 से 1.25 इंच या 1 इंच अंदर की साइड ऐसे लगाते हैं और यहां पे डाल देंगे गोलाई। तो ये देखिए बैक वाले पार्ट इस साइड के सभी निशान कंप्लीट हुए हैं। अब हमें बैक साइड को, यहाँ पे आप देख रहे होंगे फ्रंट का आसन हमारा छोटा लग रहा है, लेकिन फ्रंट का हमेशा आसन छोटा ही रहता है, हमें बढ़ाना कहां से है, बैक साइड वाले पार्ट से। तो यहां से तकरीबन हम 2.5 से 3 इंच तक ऊपर की साइड एक निशान लगाते हैं और इस तरीके से यहाँ पे बैक साइड वाला आसन बढ़ाते हैं ऐसे क्रॉस करते हुए। तो आपको बैठने उठने में चलने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका आसन यहाँ पे टाइट नहीं रहेगा। तो इसी निशान के ऊपर यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो इस साइड से हमने कंप्लीट कटिंग कर ली है, अब हम इस साइड से कटिंग करेंगे। तो चारों पल्ले यहाँ पे इकट्ठे कटिंग कर देते हैं। तो ये देखिए पूरी पैंट हमने यहाँ पे फर्स्ट क्लास तरीके से कटिंग कर ली है। अगर हमारा यहाँ पे अर्ज छोटा होता है 28 इंच का, तो 28 इंच के अर्ज में भी आप 44 हिप वाली पैंट कटिंग कर सकते हो। और ये रहे हमारा बॉर्डर, ये हम बाद में ऊपर से स्टिच कर देंगे मोरी वाले पार्ट पे। पूरा का पूरा पीस मैंने आपको यहाँ पे कटिंग करके दिखाया है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।